हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोकालदास एक्सपोर्ट के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गोकालदास एक्सपोर्ट से ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट्स मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये अपैरल और क्लोथिंग यानी कि जो कपड़े होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी के प्रोडक्ट 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि जो मेन कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एक्सपोर्ट से ही होता है। लेकिन इंडियन मार्केट से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो मेन फोकस हमें कंपनी का नज़र आता है वो एक्सपोर्ट से ही नज़र आता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं कुछ कंपनी के जो नंबर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, लगभग 1850 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप ये कंपनी है। अगर हम इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो देखिए, लगभग 54 का पी हमें इंडस्ट्री का नज़र आता है, लेकिन जो इसका पी रेशियो है वो 38 टाइम्स है। देखिए, ये जो 38 का पी रेशियो ये हमें अभी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं जहाँ पे ये स्टॉक 20 के भी नीचे ट्रेड हो रहा है, जो कि मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये निकल कर आता है 3.15 टाइम। तो प्राइस टू बुक रेशियो की भी अगर हम बात करेंगे तो इतना महंगा हमें ये नज़र नहीं आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्ट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगातार हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन पिछले साल हमें जो कोविड वाला ईयर रहा है तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अराउंड 15% से हमें यहाँ पे गिरते हुए नज़र आए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर हमें नोटिस करना चाहिए कि लगातार पिछले 3 साल से हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भली रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 24% का यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग है। देखिए, पिछले क्वार्टर में यानी कि जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था तो वहाँ पे ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 9% से कम हुई है, यानी कि पहले ये नंबर 33% पे था और ये अब ये नंबर हो चुका है 24% पे। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है जो हमें यहाँ पे भी 24% नज़र आती है, तो उससे पहले वाले क्वार्टर में ये नंबर 3% पे था, यानी कि 21% से यहाँ पे DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये थोड़ा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वे में लगता है, और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो लगातार जो कंपनी का स्टॉक है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे FIIs की बात करेंगे तो उनका भी यहाँ पे 12% का होल्डिंग है। तो देखिए, लगभग 1800-1900 करोड़ की ये कंपनी है, और उसमें लगभग 36% का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे FIIs और DII का होल्डिंग है। ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे लगा है, क्योंकि हमने जनरली हमने देखा है कि लगभग ये जो 4-5 हज़ार करोड़ की जो कंपनी होती है यहाँ पे FIIs और DII की होल्डिंग एकदम नी के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ये नंबर हमें 36% नज़र आता है। तो ये जो नंबर ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है, और ये क्यों अट्रैक्टिव है इसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो लगभग 39% है। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में ये नंबर और भी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग वो हमें थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। अब ये देखिए, ये जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हमें कंपनी का नज़र आता है। देखिए, पहले अगर हम देखेंगे तो जो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 369 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल थी। फिर उसके बाद में कोविड की सेकंड वेव आ गई तो वहाँ पे हमें ये कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स थे अराउंड हमें 30% से कम होते हुए नज़र आए थे। लेकिन उसके बाद देखिए, जैसे एक नॉर्मल क्वार्टर जो जुलाई से सेप्टेम्बर वाला क्वार्टर था तो वहाँ पर 443 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल्स का नंबर आया, और वहाँ पे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये आता है 28 करोड़ पे।
देखिए ये एक नॉर्मल क्वार्टर था, अगर इस नॉर्मल क्वार्टर को अगर हम एज अ बेस अगर मान के चले तो अगर हर क्वार्टर में अगर कंपनी को लगभग 25 करोड़ का अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे पूरे साल का ये 100 करोड़ होता है। तो 100 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग जो 1900 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है तो वहाँ पे 19 का पी हमें स्टॉक का नजर आता है। तो ये जो 19 का पी है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। और इसी के साथ में अगर ये जो 28 करोड़ का प्रॉफिट है अगर यहाँ पे कंपनी 10 से 11% की अगर हमें और ग्रोथ दिखाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो पी रेशियो है ये 15-16 का भी हो जाएगा। इसीलिए ये मार्केट को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसीलिए मार्केट इतने पॉजिटिव वे में गोकालदास एक्सपोर्ट पे हमें बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में ये एक नॉर्मल ईयर नहीं रहा है तो इस ईयर की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम 1920 वाले ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 13.4 का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है। जो कि अगर अभी हम देखेंगे जो री ओपनिंग यहाँ पे हुई है और जो यहाँ पे चाइना की वजह से यहाँ पे जो डिमांड हमें ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रही है। तो ये नंबर हमें 19-20% तक जाता हुआ नजर इस एंड ऑफ द ईयर में हमें यह आता हुआ नजर आ सकता है। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है तो ये नंबर भी अराउंड 18% है। तो आरओसी के नंबर्स हमें यहां पे अच्छे नजर आते हैं। यही अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 3.28% पे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट के नंबर है वो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जो कंपनी के अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 550 करोड़ का ऑन डेट कंपनी के ऊपर डेट है। तो वो डेट की वजह से यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है और एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का कम हो जाता है। लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी फिनोमिनल है तो एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी अपना डेट कम कर रही है तो वो यहाँ पे थोड़ा हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1920 के एंड में ये 1.73 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर था और यहाँ पे ये 2021 के एंड पे ये 1.17 हो गया। तो ये हमें टोटल इंडिकेशन देता है कि कंपनी यहाँ पे एग्रेसिवली यानी कि फटाफट अपना डेट जो है वो कम कर रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर काफ़ी अच्छे हैं और एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी अपना डेट कम कर रही है। तो इसीलिए जो डेट टू इक्विटी का नंबर है ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक हमें 1 के नीचे जाता हुआ ये डेट टू इक्विटी का जो नंबर है ये 1 के नीचे हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए 1 के नीचे अगर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपना इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो ज्यादा लगा रखा है इन कंपैरिजन टू लोन फंड, यानी कि जो ओल्ड फंड यानी कि जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो कम है और अपना खुद का पैसा यहां पे कंपनी का ज्यादा लगा हुआ है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो 2021 में कंपनी का इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है फिर भी 1.77 का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 1.77 टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पर ये नंबर भी हमें 3 से 3.5 टाइम छोटा हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए ये भी हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 315 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज लगभग 3.5% ये स्टॉक आज ऊपर था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ही हम यहाँ पे इसे बाय करेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पे नंबर्स की बात की वैसे 5 साल में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। ये देखिए लगभग 400% से भी ज़्यादा इस स्टॉक ने रिटर्न दिए, यानी कि पिछले 5 साल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। और यहाँ पर सिर्फ 1800 से 1900 करोड़ के मार्केट गैप में FIIs जो DIIs का स्टेक है ये हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे गोकालदास एक्सपोर्ट्स हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्केट में थोड़ा
देखा जाए तो कभी मार्केट एकदम बियरिश हो रहा है, कभी एकदम अगर हम देखेंगे तो बुलिश मार्केट हो रहा है। तो एक कॉन्सोलिडेशन फेज में अभी मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म माइंड से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये स्टॉक 350 के ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर मार्केट अगर नॉर्मल वे में रहता तो ये नंबर आपको 1 से 2 हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको जो भी काम करना है अपनी खुद की रिसर्च या फिर अपने खुद के डिसीजन के ऊपर ही आपको काम करना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि गोकाल दास एक्सपोर्ट के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।